आज वीर के वैक्सीनेशन का है डे 3 और वीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद मिलती है वहाँ पे कैंडी कैंडी डेक्चिन। हेलो बोलो वीर। हेलो। आ गया इंजेक्शन लगवाने। हाँ आज पूरा दिन सबको बताया कि मुझे दो लग गए, दो इंजेक्शन लग गए। बताए थोड़ा सा दर्द होता है। बहुत ही मजेदार मौसम में हम लोग निकल पड़े हैं कुछ कुछ शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग हमने थोड़ी बहुत कर ली है और अभी थोड़ी बहुत बाकी है, कुछ कुछ सब्जियां और थोड़े से फल और कुछ कुछ घर की चीजें। और वीर कह रहा है हेलो, कैसे होने लगे दोस्त? हाँ जी बताइए वीर के दोस्त लोग, आप लोग कैसे हैं? वीर पूछ रहा है। एनजीओ सेक्टर के लोग जितने भी होते हैं ना, सोशल वर्क वाले, हम सबके पास लॉयर्स का बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है। वो उस बैकग्राउंड के जो उन चीजों के लिए काम करते हैं, ये लॉयर्स वो लॉयर्स होते हैं जिनको फंडिंग मिलती है ट्रस्ट से और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिलती है। मतलब स्ट्रांग बैकअप, फ्री में थोड़ा ना काम करते हैं, स्ट्रांग बैकअप होता है, इनको सपोर्ट मिलता है। ये लोग अपने लेवल पे भी काम करते हैं, इनको सपोर्ट ही मिलता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में 28 कुत्ते हैं, उनको खिलाना और उनके बाहर जो सोसाइटी के बाहर के कुत्ते हैं उनको भी ये लोग खिलाते हैं, उनको भी खिलाते हैं इतने कुत्तों को। और ये तीन लेडीज आई थी उस दिन हमारे घर, तो सिर्फ तीन लेडीज मिलके तो नहीं ये सारा खर्चा उठा रहे हैं। नहीं आज मैं हूँ मेरे पुराने घर वाले इलाके में, कुछ फल खरीदते हैं यहाँ पे। मुझे याद आ रहा है सुबह यहाँ पे वॉक करने आती थी और रोज कुछ ना कुछ फ्रूट्स लेके जाती थी। केले दे दो, सेब दे दो 1 किलो और पन्नी मत देना, थैले में दो। हाँ भैया थैले में देना, पन्नी कोई मत दो। ओ तेरी कांड हो गया। कुछ सामान ना सामने वाली शॉप से लेके आना था, तो अभी ना और वीर वहाँ पे गए, मैंने सोचा था मैं फ्रूट्स ले लूँगी और भाई साहब गाड़ी लॉक करके निकल गए और अब मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे वेट करने से बेटर है कि मैं आ गई अभिनव और वीर के पास और वीर ने कोई तो खिलौना देख लिया और अब फटाफट जाते हैं वो खिलौना लेने। वीर वैसे में कौन सा खिलौना है? डायनासोर? नहीं एक कार। ओ कार है, चलो 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 फटाफट कार लेके आते हैं। छोटा सा कार कहाँ पे है? कार कौन सी वाली कार है? कहाँ पे? यहाँ पे कार है ये वाली। तो चलो भैया से पूछना पड़ेगा ना कितने की है। नहीं ये तो फंस गया। हाँ वो फंसा रहेगा जब तक हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे। लाओ निकाल दे, ये फंस गया। अब आंटी से पूछो, आंटी कितने का आएंगे? आगे कितना का है? ये आपके पापा के पॉकेट में मनी है? बताओ वीर के पास पॉकेट मनी है या नहीं है? नहीं है। ओ फिर कैसे लेगा वीर? आंटी ने दे दी है कार। अब आंटी को थैंक यू बोलो। Welcome. अब आ जाओ, पापा वेट करे, आ जाओ आ जाओ। हाँ वो सब मिलेगा वीर, वो हम जब नेक्स्ट आएंगे ना फिर मिलेगा, ठीक है? अभी आंटी आंटी वन टाइम में वन टॉय देती है। अभी आंटी ने कार दिया, हम नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉय देगी, ठीक है? हाँ, और नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, अब इसके लिए आंटी को थैंक यू बोलेंगे। अब चलो चलो चलो, पापा वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभिनव जी गए दोबारा से मेरे लिए हुए फल दोबारा से उनको ठीक कराने। मैंने पपीता लिया और वो गड़बड़ था, तो हो रहा है एक्सचेंज, कर दिया एक्सचेंज। और क्या, उसे बोल रहा था हमें पता होता आप हैं। हाँ। तो हमने दिया होता, बढ़िया जलवा है हमारा। अच्छा मैडम है तो कुछ भी पकड़ा दो उनको। मैडम पता ही कहाँ है? उनको पता कहाँ है मैडम? मैडम थोड़ी ना सब्जी वब्जी कभी लेके आती हैं। वो तो मेरे को शक्ल से पहचानते हैं ये लोग जितने भी हैं यहाँ पे। मुझे कभी गलत नाम थोड़ी ना लगे। मेरा पुराना एरिया
सब्जी वब्जी मैंने शादी के बाद लेना शुरू किया मैडम। एंड आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।